दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे, इधर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं कि मार्केट इधर किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर आप लोग इधर चार्ट देख रहे होंगे, देखिए जो 18512 के ऊपर इधर मार्केट ने पहले क्लोजिंग दी थी, उससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि इधर जो है एक बाउंस बैक है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है, इधर मार्केट ने करने की कोशिश की थी। उसके बाद मार्केट फिर डाउन आया 18400 का आंकड़ा टच करके। लेकिन वापस से अगर आप देखोगे जो ये कैंडल है फ्राइडे के, अगर हम देखते हैं तो 18500 का जो आंकड़ा है मार्केट टच कर चुका, क्योंकि ग्लोबल जितने भी अगर आप इंपैक्ट देखेंगे बहुत ही अच्छे मार्केट के ऊपर आ रहे हैं, और इसी की वजह से जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि भैया कौन कौन से स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो, तो उससे रिलेटेड तो हम जो नई नई वीडियो है वो आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा फेवरेट स्टॉक है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, उसकी तरफ से एक नया अपडेट आया है, मीडिया रिलीज आया, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के स्टॉक में इधर जो है 50 करोड़ रुपए का इधर QIP हुआ था, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। उसकी जो 50 करोड़ रुपए का जो इन्होंने जो फंड रेज किया था, वो जो स्टॉक थे कहां कहां और किस किस कंपनी ने इधर QIP के द्वारा, मतलब जो कंपनी के अंदर इधर विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका डाटा मैं आपके सामने इधर लेकर आ रहा हूं। देखिए जो आप लोग इधर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड 3 नवंबर 2022, इधर जो इनकी पूरी डिटेल है, जो दोस्तों हमारा फेवरेट स्टॉक है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका NSE कोड है विकास लाइफ और BSE कोड है 542655, उसका डाटा आप लोग इधर देख रहे होंगे, क्योंकि ये डिटेल हमें पता होना चाहिए कि भैया जिस कंपनी ने इधर QIP किया है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया है, उसका स्टॉक किस किस कंपनी, ये बहुत बड़ी बड़ी जो फंड हाउसेज हैं, कौन से फंड हाउसेज ने स्टॉक के अंदर इधर इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि उसके बाद हमें एक भैया हमें आइडिया लग जाए कि हाँ ये स्टॉक आगे जाकर इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जब इन्वेस्टर मजबूत होंगे तो दोस्तों कंपनी भी मजबूत होगी, और इसी के बेस पे दोस्तों जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है, इधर आप लोग देख रहे होंगे कि 10,75,26,881 जो इक्विटी शेयर्स है वो दोस्तों इधर QIP हुआ, जिसकी अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है दोस्तों, आपको पता कि 50 करोड़ रुपए का इधर QIP हुआ था, पहले भी QIP हो चुके हैं, लेकिन अभी हम जो 15 नवंबर का जो इंटीमेशन डेट दिया गया था उसका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है वो देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो विकास लाइफ के लिमिटेड का जो स्टॉक है 4.88 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दोस्तों इधर स्टॉक के अंदर QIP हुआ था, और आज की डेट में अगर आप लोग स्टॉक देखोगे तो 4.75 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, और इसी के हिसाब से जो स्टॉक्स है भैया इधर बड़े बड़े जो फंड हाउसेज ने अपना जो इन्वेस्टमेंट इधर कंपनी के अंदर किया है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देख लीजिए कि अलॉटी कौन कौन से हैं, इधर आप लोग देखेंगे तो भैया 5% से जिसकी ज्यादा का इक्विटी शेयर का जो जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी डिटेल में आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। देखिए जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो इधर आप स्क्रीन पर देखे होंगे, कैलिप्सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, जो इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर किया है। अगर आप इनकी स्टॉक की अगर अलॉटेड साइज देखोगे तो वो है 3,71,49,166 जो स्टॉक्स हैं वो इधर इनका इन्वेस्टमेंट इतने अमाउंट का हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप इधर देखेंगे तो भैया अगर आप 34.55% जो है इधर जो इशू साइज है कैलिप्सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से कंपनी के स्टॉक्स में हुआ है, और अलॉटी कैटेगरी देखोगे तो FPI, नेक्स्ट दोस्तों जो है AG डायनेमिक फंड्स लिमिटेड, पहले भी जो इस कंपनी ने विकास लाइफ के लिमिटेड कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया था और सेम अभी किया। अगर इसका फंड साइज देखेंगे तो अगर मतलब इक्विटी शेयर देखोगे तो 3,59,69,113 जो इतने इक्विटी शेयर है, जिसका अगर हम बात करें 4.88 रुपए के हिसाब से इधर टोटल अगर इशू साइज देखेंगे तो 33.45% जो शेयर्स हैं, यानी जो QIP है इस कंपनी ने विकास लाइफ केयर लिमिटेड के अंदर किया है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं वो है फोर्ब्स EMF, और इसकी अगर हम अलॉटेड शेयर्स देखते हैं वो है 3,44,08,602 जो इक्विटी शेयर्स है उनका इन्होंने जो QIP किया है। अगर इसकी टोटल इशू साइज देखेंगे तो वो है 32%। तो आप लोग इधर एक चीज तो जरूर नोटिस करेंगे कि भैया जो कंपनी है या जो फंड हाउसेज है जिन्होंने यहाँ पर अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कैलिप्सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, AG डायनेमिक फंड लिमिटेड और फोर्ब्स EMF। इन बड़ी बड़ी दोस्तों जो फंड हाउसेज हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने विकास लाइफ के लिमिटेड के जो QIP है, जो 50 करोड़ रुपए का इधर जो QIP हुआ था उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आप इमेजिनेशन लगा सकते हो कि भैया आने वाले समय में इस कंपनी का स्टॉक किस तरह से हवा से बातें करेगा। दोस्तों दोबारा से मैं इधर आपको बता दूं कि जो हमारा फेवरेट स्टॉक है विकास लाइफ केयर लिमिटेड का जो QIP हुआ था दोस्तों, जिसकी अमाउंट जो है 50 करोड़ रुपए का इधर कंपनी ने अभी QIP किया था, जिसको जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है
इधर 10,75,26,881 जो इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू ₹1 रखी गई थी। अगर हम अलॉटमेंट के हिसाब से देखें जो फ्लोर प्राइस है दोस्तों स्टॉक का इधर ₹4.88 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इधर डिसाइड किया गया था, लेकिन आज की डेट में अगर आप स्टॉक देखोगे तो भैया ₹4.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राइस के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर इधर दोस्तों QIP हुआ है, यानी जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं जिनका मैंने तीन बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया उन्होंने कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप लोग जान सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक के ऊपर इधर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आज की डेट में हम स्टॉक को भी देखते हैं तो देखिए जो विकास लाइफ के लिमिटेड का स्टॉक है ₹4.75 के ऊपर इधर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के ऊपर खास बात क्या है कि भैया लो डेट है, यानी अगर हम डेट की बात करते हैं तो भैया डेट ना के बराबर है। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो जिस कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर हो तो वो कितनी ज्यादा इधर जो आगे जाने वाले समय में बूम दे सकती है। साथ में अगर आप इसका कम्युनिटी फोरम देखते हैं तो कम्युनिटी फोरम में भी भैया लगभग 90% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं। तो आप इस हिसाब से अपना जो इन्वेस्टमेंट है विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक के अंदर बना सकते हो। और जो QIP हुआ था ₹50 करोड़ का इन कंपनियों ने, मैं दोबारा से आपको स्क्रीन दिखा देता हूं, इन कंपनियों ने विकास लाइफ के लिमिटेड के स्टॉक के अंदर इधर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं दोबारा से दोस्तों इनका नाम बताऊं, सबसे पहले कैलिप्सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, एजी डायनेमिक फंड और फोर्ब्स EMF। फाइनली आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों ये स्टॉक है या नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।